एक इंसान। कम से कम इस ग्रह पर आप विकास का शिखर हैं, कम से कम शारीरिक रूप से। हां, व्यवहार से जुड़ी चीजों के बारे में हमारे अंदर सवाल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम शारीरिक रूप से हम धरती के सबसे विकसित जीव हैं। सबसे विकसित जीव होने का मतलब यह है कि हमारे अंदर सबसे जटिल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है और सबसे ऊंचे स्तर की दिमागी क्षमता है। इसका मतलब है आप सोच सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, आप में याददाश्त है, आप बहुत जीवंत तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं और आपकी कल्पना शक्ति शानदार है। चींटी इतने जीवंत तरीके से चीजों को याद नहीं रखती, ना ही उसकी कल्पना इतनी शानदार है, बस थोड़ी सी है, लेकिन अपने जीवन को लेकर उसका मन सतर्क है, क्योंकि जिन शैक्षिक प्रणालियों से आप बाल विहार से लेकर आगे तक गुजरते हैं वो ऐसे हैं कि उनका संबंध हर चीज से है सिवाय आपके। ये हर दूसरी चीज के बारे में है, कोई पर्यटन में पीएचडी है, कोई बायो इंजीनियरिंग में पीएचडी है, कोई किसी और चीज में, इसके बारे में कुछ नहीं। ये कैसे काम करता है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक इंसान इस तरह का काम करता है, इसका मतलब यह है कि इंसान तीन समय में काम करता है। वो अपनी यादों के गुणों के अनुसार जीता है। आपकी यादें कितने गुणों से भरपूर हैं इससे यह तय होगा कि आप अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो याददाश्त महत्वपूर्ण है, वर्तमान का अनुभव महत्वपूर्ण है, और आपके कल की कल्पना कितनी जीवंत है यह बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल समस्या यह है कि ये चीजें पूरी तरह से आपस में मिल गई हैं, क्योंकि अपनी शक्तियों को अनुशासित नहीं किया गया है। बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया गया है। अनुशासन का मतलब लोग सोचते हैं अंग्रेजी अनुशासन, यानी बेवकूफों की तरह ऐसे चलना। शक्तियों का अनुशासन नहीं है, इस वजह से आपका अपना मन आपके खिलाफ हो गया है। जो 10 साल पहले हुआ था आपको आज भी दुख देता है। हेलो, जो परसों हो सकता है वो अभी आपको दुख दे रहा है, क्योंकि अपनी शक्तियों का अनुशासन नहीं है। आप नहीं जानते कि अपनी याददाश्त का और कल्पना का इस्तेमाल कैसे करना है। आपकी याददाश्त आपको दुख देती है, आपकी कल्पना आपको दुख देती है, और आपको लगता है कि आपका जीवन दुख दे रहा है। जीवन दुख नहीं दे रहा, आप बस इंसान होने की 2 सबसे महान शक्तियों से दुख पा रहे हैं, जीवंत यादों और शानदार कल्पना की शक्तियां, है कि नहीं? अगर आप अपनी सबसे महान शक्तियों से दुख पाते हैं तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अगर आप किसी बीमारी से दुख पाते हैं तो समझा जा सकता है। अगर आप अपनी विकलांगता से दुख पाते हैं तो समझा जा सकता है। अगर आप अपनी क्षमता से दुख पाते हैं तो कोई उम्मीद नहीं है, हां या ना? आप अपनी क्षमताओं से दुख पा रहे हैं। अगर आप अपनी विकलांगता से दुख पाएं तो ठीक है, पर आप अपनी क्षमताओं से दुख पा रहे हैं। इस दिमाग को इतना बड़ा बनाने में कितने लाखों साल लगे हैं, और अब यह आपका दुश्मन बन गया है। उन्होंने इसे शब्दों को व्यक्त किया, लेकिन लगभग 90% लोगों के बारे में यही सच है। वो अपनी ही बुद्धि से दुखी हैं, है ना? अगर आप उनका आधा दिमाग निकाल लें तो वो शांत हो जाएंगे। हां, और इसीलिए बहुत से बेवकूफ ये बोलते रहते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य है पीस ऑफ माइंड। ऐसे लोगों पर रेस्ट इन पीस बिल्कुल लागू होता है। देखिए, मैं आप सभी युवाओं से बस यही कह रहा हूं, अपने जीवन में जो चाहे करें, लेकिन आपको किसी चीज पर तीव्रता से केंद्रित होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन का किसी भी चीज में निवेश नहीं करते तो यह बेकार चला जाएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जीवन का एक बुनियादी हिस्सा है समय, और यह बस चला जा रहा है। मेरे यहां आने के बाद से अब तक आप अपनी कब्र के 2 घंटे पास पहुंच चुके हैं, हां या ना? मणिकर्णिका के 2 घंटे ज्यादा करीब, हां या ना? यस। आप अमर नहीं हैं, ये बस एक सीमित समय की अवधि है। क्या आप एक मूल्यवान जीवन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या आपका जीवन आपके लिए मूल्यवान है? तो आपको यह तय करना चाहिए कि आप इस जीवन का निवेश कहां करना चाहते हैं। अगर यह मूल्यवान है तो, अगर यह मूल्यहीन है तो इसे कहीं फेंक दीजिए। अगर यह मूल्यवान है तो इसका निवेश किसी सार्थक चीज में कीजिए, है ना?
तो अगर आप इसका निवेश किसी सार्थक चीज में करते हैं तो सिर्फ जोश में ही नहीं, आप हर समय प्रज्वलित रहेंगे।